न्यू स्मार्ट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, माय न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं विश्वरंजन और आप देख रहे हैं न्यू स्मार्ट इंडिया। दोस्तों, मैं बहुत दिन से वीडियो अपडेट नहीं कर रहा था क्योंकि एक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं वीडियो बना के कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए आप लोग का सपोर्ट चाहिए तब जाके मैं वीडियो बना सकता है। क्योंकि देखिए, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए तब जाके मेरे को पता चलेगा कि मैं कौन से वीडियो बना सकूं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ नहीं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए मज़ा नहीं आता है इस वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए आपको थोड़ा हेल्प करना ज़रूरी है ताकि मैं वीडियो बना सकूं। दोस्तों, कल पिछले वीडियो में मैं ITP के बारे में बताया था, तो आपको अगर ITP के बारे में जानना है तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पिछले वीडियो में मैं क्या क्या था, ITP को मैं ओपन किया था, कौन से प्रिंसिपल में काम कर रहा है वो बताया था। तो इस आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ITP में 4 to 20 मिलियम्स यूज करते हैं। तो वो 4 to 20 मिलियम्स क्यों यूज करते हैं, 4 to 20 मिलियम्स यूज करने का पीछे रीज़न क्या है, 0 to 20 क्यों नहीं यूज कर सकते, तो बहुत सारा सवाल है जो आज मैं आपको एक ही जवाब देने वाला हूं, जो 4 to 20 मिलियम क्यों यूज होता है उसी में सभी जवाब आपको मिल जाएगा। तो पहले ज़माने में क्या होता था दोस्तों, कि 0 to 20 यूज होता था और सब जगह पे 0 to 20 के हिसाब से ऑपरेट भी होता था, क्योंकि इतना एडवांस हुआ नहीं था, तो सब मशीन चल रहा था 0 to 20 मिलियम्स में। तो 0 to 20 मिलियम्स क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि हम देते हैं 24 वोल्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हो CNDI की तरफ से 24 वोल्ट DC दिया जाता है। तो 24 वोल्ट DC मतलब वो 24 वोल्ट में ऑपरेट नहीं होता है, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ कमांड दिया जाता है जो वो 0 to 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके 0 to 5 वोल्ट ही कमांड लेता है। तो 0 to 5 वोल्ट देने के लिए पहले ज़माने में 0 to 5 वोल्ट दिया जाता था, तो अब क्यों 0 to 5 वोल्ट नहीं दे रहे हैं, तो 0 to 5 वोल्ट नहीं देने का रीज़न क्या है, तो मैं बताने जा रहा हूँ उसको। आप सुनते रहिए, वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए, वीडियो को मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरे को आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, पहला चीज़ है 4 to 20 मिलियम्स आया कहाँ से। तो जब 0 to 5 वोल्ट है उसका एक कैलकुलेशन है, वोल्टेज से एम्पीयर हम निकालेंगे, मिलियम्स हम वोल्टेज से निकालेंगे तब हमको मिलियम्स मिलेगा। तो उसका जो कैलकुलेशन है, उसका कैलकुलेशन है I = V/R। हम पढ़े हैं, ITI में भी बहुत पढ़े थे, बहुत बार पढ़े थे, I = V/R, V = IR, ऐसे से बहुत सारा हम फॉर्मूला पढ़े थे जो हमको इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ I = V/R। तो I क्या है, करंट है जो हम निकालेंगे, V मतलब वोल्टेज है, R मतलब रेजिस्टेंस है। तो इसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं कितना, कमांड को देखेंगे दोस्तों, कमांड क्या जा रहा है, जीरो वोल्टेज दिया जा रहा है। पहले ज़माने में देते थे, अब जीरो वोल्टेज नहीं दे रहे, पहले जीरो देते थे। तो जीरो में क्या होता है कि जीरो I = 0 वोल्टेज / रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा कितना है 250 ओम। 250 ओम क्या है, जिस कॉइल में वो जा रहा है सप्लाई कमांड जिसको जा रहा है उसमें कॉइल रहता है, तो उस कॉइल का रेजिस्टेंस है 250 ओम। तो 0 / 250 ओम, तो कितना मिला हमको, 0।
तो हम जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें हमको जीरो ही मिलता है। तो जीरो मिलियंस मतलब ये 0% हो गया। जीरो में हम जीरो कमांड दे रहे हैं मतलब जीरो वोल्ट दे रहे हैं 0 मिलियंस। तो पहले होता था जीरो कमांड में 0% और 0 मिलियंस दिया जाता था और वाल्व को मतलब ऑपरेट करने के लिए हम पहले ज़माने में 0 और 20 देते थे, ठीक है, 0 to 100 ऑपरेट करने के लिए, और 20 मिलियंस में भी वैसे ही कैलकुलेशन है, ठीक है। तो दोस्तों इसको क्यों, क्या रीजन हुआ कि जीरो को हटाया गया कि 0 वोल्ट नहीं दिया जा सकता? तो उसका रीजन यही है, कोई भी वाल्व हम ऑपरेट कर रहे हैं, जीरो कमांड दे रहे हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसको जीरो कमांड जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्योंकि ऐसे भी हम उसको जीरो कमांड दे रहे हैं मतलब वोल्टेज जीरो दे रहे हैं, मतलब वोल्टेज कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो वाल्व ऐसे ही बंद है तो बंद ही रहेगा, क्लोज है कोई वाल्व क्लोज ही रहेगा। लेकिन एक्चुअल में क्लोज है क्या? क्लोज तो एक्चुअल में है क्या, उसमें कमांड जा रहा है क्या क्लोज कर? तो वो समझ में नहीं आता था, इसीलिए उसको 0 से 1 वोल्ट किया गया। तो जो 0 से 1 वोल्ट किया गया तो उसके बाद हम 1 से कैलकुलेशन कर रहे हैं, करके निकालेंगे तो हमको 4 मिलियंस निकलेगा। कैसे? वोल्टेज इक्वल टू 1 / R 250 ओम, तो उसको डिवाइड करने से मिलता है हमको 0.004 एम्पियर। हमको मिलियंस चाहिए तो उसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1000, क्योंकि 1000 मिलियंस इक्वल टू 1 एम्पियर। उसके बाद हमको मिल जाता है 4 मिलियंस। तो इसीलिए हम 420 मिलियंस यूज करते हैं, क्योंकि हम उसको कमांड दे रहे हैं 0, 4 मिलियंस और 20 मतलब 100%, हम 20 मिलियंस दे रहे हैं 100% के लिए ऑपरेट के लिए। तो 420 मिलियंस हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हम उसको एक्चुअल पोजीशन ऑपरेट करने के लिए हमको जो चाहिए कमांड वो हमको मिल सके और हमको पता चल सके, कंफर्म हो सके उसको उतना कमांड जा रहा है। दोस्तों अगले वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और ढेर सारे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आज के लिए उतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं दूसरा एक नया वीडियो में। नमस्कार।